जयपुर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 453 नए मामले सामने आए, जहां 296 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कोरोना का पॉजिटिविटी दर 3.42% तक पहुंच गया है। तो रायपुर में लगातार कोरोना बेकाबू नजर आ रहा है, लगातार रफ्तार बढ़ रही है। आपको बता दें 24 घंटे में 453 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, लगातार लोगों को भी अलर्ट कर रहा है। तो बीते 24 घंटे में 453 मामले सामने आए हैं। तो एक बड़ी खबर से आपको इसी बीच रूबरू करा दे, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजनांदगांव नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। हॉस्टल की 14 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दहशत का माहौल नजर आया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, हॉस्टल की 14 छात्राएं कोरोना संक्रमित बताई जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये जानकारी राजनांदगांव से आ रही है। नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल में कोरोना विस्फोट हुआ है। हॉस्टल की 14 छात्राएं कोरोना संक्रमित बताई जा रही है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी के दौरान ये संक्रमण फैला, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दहशत का माहौल है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हॉस्टल की 14 छात्राएं कोरोना संक्रमित बताई जा रही है। तो राजनांदगांव नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल में कोरोना विस्फोट। शशिकांत हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। शशिकांत, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की खबर आ रही है, कोरोना का विस्फोट नजर आया, क्या कुछ और जानकारी? देखिए यहाँ का बिल्कुल राजनांदगांव जिले में एक बार कोरोना ने फिर पैर पसारना चालू कर दिया है, शुरू हो गया है। और लगभग जो अभी चौथा विजिट है और बूस्टर, लोगों को बूस्टर डोज लगना चालू हुआ है। लेकिन हम मेडिकल कॉलेज छात्रों की बात करें, वहाँ 10 से अधिक जो छात्र है उनको कोरोना पॉजिटिव मिले सैंपल से। तो जो अभी मेडिकल कॉलेज जो प्रशासन है वो अभी जिनकी जिनको संपर्क में आए उनकी सैंपल लिए हैं, और जो वहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको सुनिश्चित किए हैं। जो मरीज उनके जो संपर्क में आए उनकी जांच की जा रही है, कहीं और तो ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं निकलेंगे, इसकी जांच शुरू कर दी है। तो सुरक्षा को देखते हुए वहाँ की जो स्टाफ है वो थोड़े से बढ़ाए हुए हैं, और जो मेडिकल का अस्पताल है वो पूरी तरह से कोरोना को लेकर एक सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। और लोगों से भी गुजारिश और जागरूकता की बात कर रहे हैं कि लोग जो पहले जो कोरोना का जो इस्तेमाल करते थे, मास्क लगाए, दूरिया सैनिटाइज करे, लोगों से डिस्टेंस लगे, उसके लिए अपील कर रहे हैं कि आप फिर से कोरोना की जो पॉजिटिव आनी कर रहे हैं तो लोग अपनी सुरक्षित स्वयं करें और एक दूरी बना रखे, सैनिटाइजर करें और डिस्टेंस रखे, और ठीक से इलाज के लिए दूरिया बना कर रखे। तो कहीं ना कहीं कह जा सकता है कोरोना की जो पॉजिटिव मरीज निकलने से एक जिला प्रशासन और जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन में उसमें एक दहशत का माहौल है, साथ साथ जो वहाँ के मरीज है उनमें एक डर भरा बना हुआ है कि लोग अब जब फिर से कोरोना के जो बढ़ते मरीज है वो सामने नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह जा सकता है कि राजनांदगांव के एक चिंता का विषय है स्वास्थ्य विभाग के लिए, कोरोना के से बूस्टर डोज लगने के बाद भी जो कैसे इस तरह से कोरोना के पॉजिटिव मरीज अधिक हो रहे हैं। खास बात करें कि जो मेडिकल के स्टूडेंट है जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो पॉजिटिव आए हैं, तो कह जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो मेडिकल कॉलेज की वो लापरवाही सामने आई, जिसके बाद ये निकल के आ रहे हैं आंकड़े की जो बढ़ते आंकड़े नजर आ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट में कोरोना पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जी नहीं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।